तो यहाँ पे फ्रेश भटूरे बनाए जा रहे हैं। हाँ, पनीर स्टफ करके बनाते हैं, बहुत सारा पनीर स्टफ करते हैं। वेस्ट दिल्ली के मोमोज से ज़्यादा पनीर आपको यहाँ के भटूरों में मिलेगा। ये आ गए फाइनली, इंतजार खत्म, पनीर वाले भटूरे। तो हम अपने वेस्ट दिल्ली के ब्रेकफास्ट फूड जर्नी की शुरुआत मोनिका कैफे से कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके कि जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं वो भी यहाँ के रुकते हैं खाने के लिए, जो जिम से आ रहे हैं वो भी यहाँ रुक रहे हैं खाने के लिए। और हमने यहाँ पे लिया है पनीर वाले भटूरे, साथ में छोले, गाजर, प्याज और हरी मिर्च है। जितनी मात्रा में पनीर इन्होंने स्टफ किया है उतनी मात्रा में मैंने पूरे दिल्ली में कहीं देखा, फुल ऑन है। अब आप सबको पता हमारी सेहत होगा राज, और इतने मतलब इसको दो बार डीप फ्राई किया गया, क्योंकि कहते हैं कि एक बार फ्राई करने से फट जाता है, तो इसलिए इसको दो बार फ्राई किया गया। उन्होंने बोला है उन्होंने कि पहले आप छोले टेस्ट करना जी, उन्होंने बोला भटूरे बाद में खाना, क्योंकि कह रहे हैं कि अगर आप पनीर के साथ खाए थोड़ा आपको मीठा लगेगा तो आपको टेस्ट पता नहीं चलेगा। अच्छा। तो अलग से आप पहले ट्राई करना छोले। ये छोले ऊपर में तले हुए आलू, और ये जो हरी चीज़ आप देख रहे हैं ये चटनी नहीं है, ये पालक है। बहुत बार क्या होता है जब आप छोले बाजार में खाते हैं ना, सबसे पहला टेस्ट आपको सोडे का आता है। सोडे का आता है ना, वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट फ्लेवर होता है क्योंकि हाँ। इसको गलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो भटूरे के साथ छोले बनाए हैं तो उसमें अनारदाना ज़रूर होता है। हाँ। पर पालक का टेस्ट आ रहा है और वो सोडे वाले टेस्ट को कम कर रहे हैं, इसके लिए ट्रिक्स कट कर देता है। चलिए अब भटूरा खाया जाए। इसके अंदर में फुल ऑन पनीर स्टफ की गई है। बाकी एक भटूरा आदमी खा ले फिर तो पूरे दिन कुछ खाने। मैं हमेशा आधा खाती हूँ, मेरा हमेशा शेयरिंग बेसिस पे होता है मेरी बहन के साथ। अच्छा, मम्मी पापा एक खा लेते हैं। तो यशवी, आप कंटेंट क्रिएट करते हैं कॉमेडी जी, और सबसे अच्छी बात लगती है मुझे कि आपने जो जगहों के बारे में मतलब एक पूरे जगह को आप डिस्क्राइब कर देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। पीतमपुरा का जो आप कर रहे थे कि आपने इतने सारे ब्लॉक्स हैं, तो मैंने कहा सही है, मेरे बहुत सारे दोस्त रहते हैं कहाँ कमीज हो जाते हैं। और फिर आपने जनकपुरी का जो बनाया था उसमें था कि एक तरफ रिक्शे वाले खड़े होते हैं वो जनकपुरी वेस्ट है, एक तरफ जो स्वीट्स की शॉप है वो जनकपुरी ईस्ट है। जिस मेट्रो स्टेशन के नीचे हीरा स्वीट्स है ना वो जनकपुरी ईस्ट है, और जिस मेट्रो स्टेशन के नीचे रिक्शे वाले ना वो जनकपुरी वेस्ट। यार नहीं यार, पैसिफिक मॉल ना बहुत ज्यादा दूर है, हमें काम करते हैं यूनिटी वन चलते हैं। यार मेरे को ना अपनी 10th वाली किताबें बेच के 11th वाली खरीदनी है, तो मैं C4 ही जा रही हूँ, तूने चलना है साथ? नहीं, वो मेरा लैपटॉप टूट गया था ना, मैं वो ठीक कराने डिस्ट्रिक्ट सेंटर आई थी। तू भी आ जा, बहुत सारे कपल्स हैं यहाँ पे, सबको बैठ के जज करेंगे। पता है छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं वो एसोसिएट कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो कैसे मतलब एक शुरुआत कैसे हुई आपकी जर्नी की? तो पहले मैं फैशन के वीडियोस बनाती थी, पर जैसे ही क्वारंटीन शुरू हुआ मुझे लगा कि लोग बहुत ज़्यादा अपने कॉलेजेस को स्कूल्स को मिस कर रहे हैं, तो मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी कि इस स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, उस स्कूल के उस कॉलेज के बच्चे क्या करते हैं। तो उससे मेरे पास एक टीनेज ऑडियंस आ गई, क्योंकि मैं बताती थी कि यहाँ बंक मारते हैं, उनके स्कूल में एनुअल डे ज़्यादा होते हैं, स्पोर्ट्स डे होते हैं, टीचरें ऐसी, टीचर्स के डायलॉग। फिर मुझे लगा कि अगर मैं स्कूल पे बना सकती तो मैं जगह पे क्यों नहीं बना सकती, उससे और भी ज़्यादा बड़े लोगों की भी ऑडियंस आएगी। फिर मैंने जगहों को कवर करना शुरू किया, तो मेरे जहाँ पे जो फ्रेंड्स थे, जनकपुरी के दोस्त, विकासपुरी के दोस्त, सबसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर करके यूनानिमसली उस ब्रांड्स बनाने शुरू कर दिए, एंड इट वर्क प्रीटी वेल। बहुत बार होता था कि उस जगह से कोई सेलिब्रिटी निकला होता, जैसे हर्ष बेनीवाल और मिलिंद गाबा हरिनगर और सुभाष नगर के, सो दे शेयर्ड द वीडियो, फिर उससे बहुत लोगों को पता लगा कि ऐसी ही जगहों पर बनाती हूँ, इट वर्क आउट। आप हमारे इलाके में कहीं बनाइए, मुखर्जी नगर का। बिल्कुल, आपने चार या मिर्ची नहीं खाया? फेवरेट चीज है मेरी। हमें जो भटूरे के साथ जो अचार मिलता है, कहीं पे आपको आम का अचार मिलेगा, कहीं पे आंवले का अचार देते हैं, और जनरली पैकेज दे देते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा चलता है। बहुत बढ़िया, भटूरा खा लेती, मुझे तो काफी हैवी लगा, अंकल कह रहे थे बहुत लाइट है। छोले भटूरे की बात की जाए, हर एक इलाके में दिल्ली में आप कहीं भी जाएं एक ना एक लेजेंड है,
चाहे आप तमिलनाडु चले जाए वहाँ चाचा के छोले भटूरे, आप वेस्ट दिल्ली आ जाए यहाँ पे मुनिका, आप बता रहे थे योग्स कैफे स्टैंडर्ड है राजौरी में हर जगह, और पुरानी दिल्ली चले जाए तो वहाँ नंदी हट्टी है और ज्ञानी भी है, तो बहुत सारे हर जगह पे हर एक इलाके में आपको एक लेजेंड मिलेंगे छोले भटूरे के, और एक तरह से दिल्ली की आइडेंटिटी है, दिल्ली की पहचान है ये छोले भटूरे, मतलब पहली डिश अगर हम कहते हैं दिल्ली की तो छोले भटूरे छोले कुलचे, ये जहन में आती है। और मेन जो है बनाने का प्रिपरेशन स्टाइल दोनों छोले का अलग होता है, आगे हम लोग छोले कुलचे भी खाएंगे। तो ये था हमारा पहला स्टॉप वेस्ट दिल्ली का। वेस्ट दिल्ली की और भी कहानियाँ यशवी के साथ आपको सुनाते रहेंगे, और कहानियाँ यशवी की जुबान है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप की ओर। वेज कीमा, वेज कीमा सोया कुलचा, क्या बात है। ये देख के मुझे जो बीच में एक बहुत ही जोक वायरल हुआ था हाँ? वो याद आ रहा है। कौन सा वाला? वो सुशी वाला। अच्छा सुशी वाला, वेस्ट दिल्ली में सुशी आएगा तो वो बन जाएगा तंदूरी बना देंगे उसके बीच में सीख डाल के उसका, तो वही चीज मुझे यहाँ थोड़ा बहुत लग रहा है इनोवेशन। नमस्कार सर, आपके शॉप का जो आपने डिजाइनिंग की हुई है बहुत अच्छी है, एक तरफ अपना दिल्ली का ऑटो, एक तरफ पंजाब का ट्रक, वेलकम टू पंजाब। तो आप कब से हैं यहाँ पे, आपकी कब से है शॉप? सर हमें 8 साल हो चुके हैं यहाँ पे, तो 8 साल से हम लोग यहाँ पे कुलचे खिला रहे हैं। कुलचे का जैसे एक तरह एक समय बिरयानी का ट्रेंड आया था ना नॉनवेज में खासकर, हाँ। अभी भी है इनफैक्ट, वैसे ही अब कुलचे का आया है, हाँ। ये जो एक कह सकते हैं सेकंड वेव जो है वो अमृतसरी कुलचे की है, और हर जगह आप दिल्ली NCR में कहीं भी चले जाए आपको अमृतसरी कुलचा मिलेगा। अब उस पर भी काफ़ी इनोवेशन होने लगे हैं। हाँ, क्योंकि पहले की चीज़ें और अब की चीज़ें सारे मिक्स करके फ्यूजन लोग अपने अपने न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं। आपका भी मेन्यू में देखा हमने चीज़ हाँ कुलचा और वेज कीमा कुलचा। हाँ जी सर, तो इसमें प्रॉपर चीज़ स्टफ करते हैं? इसमें सर प्रॉपर चीज़ कुलचा में प्रॉपर मोजरेला चीज़ स्टफिंग होती है, अनियन और गार्लिक की स्टफिंग होती है इसमें, तो एक जो चीज़ कुलचा होता है उसको ऊपर से भी हम स्प्रेड करते हैं चीज़। यहाँ के लोकल्स पसंद करते हैं? हाँ जी, लोकल्स काफ़ी पसंद करते हैं, लोकल्स भी, बच्चे भी और बड़े लोग भी। और आप देखोगे नॉर्मली कि चीज़ वगैरह या पिज़्ज़ा ये लोग ज़्यादा बड़े लोग प्रेफर नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आके वो चीज़ कुलचा ही मांगते हैं मोस्टली। चलिए हमारे लिए एक तो चीज़ कुलचा लगवा दीजिए और एक वेज कीमा कुलचा। कीमा में वही सोया चंक्स डालते हैं? ये तो लगवा दीजिए। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सन्नी जी। आपका सर? मैं सर सतेंद्र सिंह। आप दोनों अमृतसर से ही हैं? हाँ जी सर। तो वहाँ भी आप लोग कुलचा ही का काम करते थे? हाँ जी सर। अमृतसरी एक अच्छी अमृतसरी कुलचे की क्या पहचान है? वो सर जो कुलचा बनेगा सर वो बनेगा लेयर के बगैर कुलचा नहीं बनेगा, नाम बनेगा जो कुलचा बनेगा उससे स्पेशल लेयर लगानी पड़ेगी, उसे कम से कम 2 घंटे लगते हैं लगाने में। तो लेयर कैसे लगाते हैं? फैला के सर, फैला के उसमें फिर बटर लगा के फिर उसको अब ऐसे करना पड़ता है। तो हर एक परत के बीच में बटर है? हाँ जी बटर सर। हाँ हाँ, मिनिमम कहते हैं कि मिनिमम 7 लेयर होनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी, ये हमारी 7 से ज़्यादा है, जितनी लेयर होगी उतना उतना ही खस्ता बनेगा। हाँ जी, खस्ता हो जाएगा, कुरकुरापन आ जाएगा। हाँ जी, खस्तापन हो जाएगा। कुलचा पकने के बाद इसमें और ग्रेटेड चीज़ डाल दिया आपने और फिर ही जाएगा तंदूर में? हमने तो कुलचा बनते हुए देखा, मतलब आपके आर्टरीज चोक हो जाएंगी कभी कभी। कितना हल्का लग रहा है देखने में, अभी वो देखो। हैवीएस्ट अमृतसरी कुलचा एवर। चीज़ देखो, चीज़ के ऊपर बटर भी है। भाई साहब चीज़ वाला। हाँ ये रख दीजिए। हाँ जी, खाएंगे। टूटता नहीं, एकदम करेक्ट अमाउंट ऑफ सॉफ्टनेस है। ये तो मुरथल से भी ज़्यादा हैवी लग रहा है। मुरथल के मक्खन की याद आ रही।
वाइट वाइट बटर। आपने एक मोटल पे भी बनाया था ना? हाँ, कि वहाँ लोग जाके क्या देखते हैं। तो जो लोग आपके सारा कंटेंट आप इंस्टाग्राम पे ही डालते हैं? नहीं, मैं यूट्यूब पे डालती हूँ, पर यूट्यूब के शॉर्ट्स, क्योंकि अभी वो चल रहे हैं, तो जो इंस्टा पे डालती हूँ सेम वही यूट्यूब पे अपलोड। एक अमृतसरी कुलचा पे भी आप बनाओ? इस पे सिर्फ सिर्फ कुलचा पे, कि ये देख के आपका मन भर जाएगा, आप कहोगे सिर्फ ये देखाने के लिए बिल ले लो हमसे, खाएंगे हम बाद में। क्या बात है। चलिए, तो ये आ गया हमारा एक और फ्यूजन डिश, अमृतसरी कुलचा, जिसमें हमारे पास वेज कीमा है और ये चीज़, और ऊपर में खूब सारा मक्खन ब्रश भी किया गया और एक एक क्यूब मक्खन का डाला भी गया, साथ में रायता बूंदी वाला, छोले और इमली और प्याज की चटनी जो कि बिल्कुल रनी होनी चाहिए वो है। इसके अंदर जो स्टफिंग की गई है वो डाइस्ड चीज़ है, इसमें मोज़रेला और शेज़वान दोनों मिक्स होता है वो है, और उसके बाद फिर इसमें मसाला डाला है, इसमें साबुत धनिया और भी कई चीज़ें हैं, उसके बाद फिर इसको तंदूर में लगाया, ऊपर से ग्रेटेड चीज़ लगाया, फिर तंदूर में गया, उसके ऊपर मक्खन। अच्छा, दो बार गया तंदूर के अंदर। आइए जायका लिया जाए, पहले इसको ऐसे ही खाते हैं। हाँ, मैं वही बोल रही थी, पहले इसको नॉर्मली खाते हैं। बट मैं मम्मी नहीं बनाती चीज़ वाली प्रॉन्टी अंदर डाल के, वैसी वाली फीलिंग आ रही है इसे खा के। कितना क्रिस्प है और फ्लेकी है। बहुत बढ़िया, वैसा नहीं लग रहा जैसे सोचा था, छोले के साथ भी ठीक लग रहा है। हाँ, अच्छा, तो अच्छा लग रहा है। अब ये ट्राई किया जाए, इसके अंदर में मशरूम, चीज़, सोया चंक्स, प्याज और मसाले हैं। इनमें प्याज अच्छे लग रहे हैं जो अंदर कटे हुए हैं ना थोड़े थोड़े, इसमें अच्छा खट्टा बन गया था। हाँ, ये लगता है मुझे रायते से अच्छा लगेगा खाने में, क्योंकि थोड़ा मसालेदार है। थोड़ा सोवर डाउन हो गया मसाला। मुझे चीज़ कुलचा काफ़ी पसंद आया, जो अमृतसरी वेज कीमा कुलचा था उसमें सही एक जो कीमे वाला टेक्सचर होना चाहिए वो इसमें बरकरार है, मसाला मसालेदार है, थोड़ा तेज मसाला है। हाँ, मसाला थोड़ा सा तेज है, वो दही के साथ ठीक लगता है। हाँ। तो ऑल इन ऑल बढ़िया कॉम्बिनेशन है, और ये तो हमने, ये हमारी पर्सनल चॉइस है, हमने ऑर्डर किया है, ये इनोवेटिव है, लेकिन जिनको अगर क्लासिक ट्रेडिशनल स्टाइल का खाना है तो वो भी इनके मेन्यू में है। मैं हमेशा आलू प्याज मंगाती हूँ जब भी मैं यहाँ से, वही ट्रेडिशनल तो वही कुलचा, हमेशा ही कुलचा आलू प्याज मिक्स कुलचा यही है। ये थोड़ा सा एक इनोवेशन है, थोड़ा फ्यूजन आपने किया है, तो काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन ये अच्छा लगा कि जो एक अमृतसरी कुलचा बनाने में जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए वो आपके शॉप पे प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं, चाहे वो डो का लेयर बनाना हो, चाहे वो धीमी आंच पे पकाना हो, कुलचे में क्रिस्पीनेस फ्लेकीनेस वो सारा कुछ इसमें है। और भैया ने आके पहले ऐसे किया उसको, कहते अभी निकालना है, इन्होंने चुर-चुर अमृतसरी कुलचा कर दिया। चलिए, बहुत बढ़िया रहा, थैंक यू। देखा जाए तो ये पंजाबी डोमिनेटेड एरिया है, वेस्ट दिल्ली माना जाता है, पूरा वेस्ट दिल्ली इनफैक्ट पंजाबी डोमिनेटेड है, पर जो पंजाबी बाग या रजौरी की रीजन है उनमें सिख ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पे नहीं रहते पर पंजाबी सबको आती है। आपको पता है जब दिल्ली एक्सपैंड हो रहा था, हाँ, तो दिल्ली तो जो सिविल लाइन्स, मॉल रोड, ये सब जगहें थी, उसके बाद फिर करोल बाग आया, करोल बाग के बाद में राजेंद्र नगर, पटेल नगर, फिर रजौरी, फिर ये जगह एक्सपैंड होनी शुरू हो गई, और जो रेफ्यूजीज पाकिस्तान से आके यहाँ पे आए, मेरी दादी रेफ्यूजी है जो पाकिस्तान से आई है, वो लोग आके यहाँ के बसे, तो इसलिए ये अभी भी पूरा एक पंजाबी डोमिनेटेड एरिया माना जाता है वेस्ट दिल्ली, और वो यहाँ के खाने में भी दिखता है। हाँ, पूरा तभी तो जो अमृतसरी, ये पहला अमृतसरी था जो खुला था, इसके बाद अमृतसरी कुलचा किंग, अमृतसरी कुलचा जॉइंट, अमृतसरी हर चीज़ के आगे इन्होंने अमृतसरी कुलचा लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा ये पर्टिकुलर चल रहा था। जो इनके ओनर हैं वो बहुत ही हम्बल है, 8 साल से इनकी दुकान है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमसे वो फीडबैक मांग रहे हैं कैसा लगा आपको।
मतलब आठ साल बाद तो लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई अब तो दुकान चल रही है, सेट है, ये एक होना चाहिए दुकानदार में, वो चीज़ बहुत अच्छी लगी और बहुत मज़ा आया। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप की ओर जहाँ पे हम खाने वाले हैं चूर-चूर नान। चूर-चूर नान, चलिए भैया जी, हमको राजू चूर-चूर नान वाले के पास जाना है। ठीक है, जाना बहुत मशहूर है। चलो जी, बहुत मशहूर है। अरे वाह, चलिए फिर बैठिए। भैया कह रहे हैं बहुत बहुत मशहूर है। बहुत मशहूर है, सबको पता है कहाँ जा रहे हैं। चलिए, बेस्ट दिल्ली के बारे में सोच के आपके दिमाग में सबसे पहले खाने की कौन सी चीज आती है? छोले भटूरे। और शाम के टाइम को सोच के मोमो। तो जब मोमोज आए थे ना, मुझे लगा था ये कैसे नाम है मोमोज, तो मैंने सिर्फ मोमोज से मोदक देखे थे। हाँ जी, बोलना है भैया। तो मैंने जब पहली बार देखा तो मैंने मम्मी को कहा ये मोदक जैसी क्या चीज़ है, मुझे भी ये चाहिए, क्योंकि मुझे लगा था स्वीट डिश है। पर फिर हमने खाया और हमें पता लगा मोमो है। मोमो का भयंकर क्रेज है यहाँ पे ना, बहुत बहुत बोलते हैं ना तंदूरी ग्रेवी इसका कहीं से जादू है अफगानी। तो आज हम ब्रेकफास्ट ट्रेन कर रहे हैं, कल हम लोग इवनिंग ट्रेन करेंगे। हाँ। उसमें खाएंगे आपका नाम क्या हुआ? नरेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, जींद का। जींद के, हरियाणा। और ये नमक का कारोबार करते हैं, तो नमक आता कहाँ से है? ये लाहौर से। लाहौर से। और कौन सी वैरायटी के नमक हैं बताएंगे जरा इसके बारे में? काला नमक है। ये काला नमक है, ये सेंधा, सेंधा नमक, ये समुद्री नमक है, सी सॉल्ट समुद्री नमक, ये सफेद फिटकरी है, फिटकरी, और ये लाल फिटकरी, गुलाबी फिटकरी, और रो मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, ये पाकिस्तान मुल्तान से आता है। मुल्तानी मिट्टी तो स्किन पे लगाते हैं ना। देखिए, ये जो हम लोग जानते हैं, हर जगह बोलते हैं कि हिमालयन सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट, हाँ। ये सब आता पाकिस्तान से, हाँ। है, और हम लोग इसको अच्छी पैकेजिंग में करके पिंक सॉल्ट बोल के खाते हैं। क्या है, सही है कि बोला बोला सही बोला कि नहीं? कहाँ लेके जा रहे हैं भैया, पूरा पत्थर है ये। हाँ जी, ये ऐसे ही आता है ना, ये सॉल्ट माइंस होती हैं, उन सॉल्ट माइंस में से इसको निकाला जाता है, उसके बाद ये पाकिस्तान से इंडिया आता है, सबसे ज़्यादा इंडिया में खपत होती है इसकी। तो आप लोग ये कॉलोनी कॉलोनी जाके बेचते हैं पूरे साल? पूरे दिल्ली में कहीं भी मिल सकते हैं आप, हैं कि रूट बनाया हुआ है कि आज इस रूट से निकले? तो आपका घर तो जींद में, आप रहते कहाँ पे हैं दिल्ली में फिर? पीरागढ़ी में। परिवार यहीं पे है? अच्छा, सही है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, लोग बाजारों से ना खरीद के आपसे खरीदें। मैं इनका नंबर नोट कर रहा हूँ, आप लोगों को भी अगर नमक चाहिए तो इनसे डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं, दुकानों से खरीदने के अलावा। क्या 94 74 960 960 83 413 413। नरेश, ये नरेश जी का नंबर लिख लेते हैं, नरेश साल्ट। मैं कह रहा हूँ कि लोग दुकानों से खरीदते हैं, इनसे खरीदें डायरेक्टली, इनसे सपोर्ट लोकल, सपोर्ट लोकल बिजनेस, और साथ में ये पूरे दिल्ली में घूमते हैं जगह जगह पे और बढ़िया माल लेके आते हैं, इसको अपना धोएं और अपना पीसें, थोड़ी मेहनत करें और सस्ते में प्योर खाएं, इससे प्योर चीज़ क्या होगी। मार्केट है, इसको हम अपना मिनी द्वारका कहते हैं, क्योंकि जो चीज़ द्वारका में चलती है वो ही आके यहाँ पे खोल देते हैं, क्योंकि लोग ऑलमोस्ट सेम सेम से टेस्ट वाले हैं। तो वहाँ पे हमारा केसी है, यहाँ पे हमारा द्वारका का चूर चूर नान है। तो हम आए हैं, हमने भटूरे खा लिए, हमने कुलचे कुलचे खाने हैं, अभी हमें भटूरे खा लिए, नान खा लिए, नहीं क्या क्या खाया हमने, मैं खा खा के भूल गई, हमने भटूरे खाए हैं, कुलचे खाए हैं, अब हम आए हैं नान खाने। तो इसमें मैदा है और चुकंदर लगाया हुआ, धनिया पत्ती लगाया हुआ, उसमें अलग अलग ऐसे परत बना के रखते हैं, उसके बाद थपथपाए और उसमें मसाला पे और फिर तंदूर में चेप दिए, हैं, और फटाक से निकाले, उसमें खूब सारा मक्खन लगाए, साथ में शाही पनीर दाल मखनी सब दिए। अच्छा, ये सीता सीतामढ़ी में थोड़ी मिलता है सब, धीरे धीरे मिलेगा, यहाँ से दुकान ले चला जाए सीतामढ़ी। चलिए,
लगाई हमारे लिए फटाफट। अरे देखिए ये क्या हो गया है, सीतामढ़ी के नाम पे पकड़ लिया, अभी तो दुर्घटना घट जाता। जब दो बिहारी लोग मिलते ना तो ऐसी आती है हवा। एक बिहारी सब पे भारी है और दो बिहारी पूरे रेस्टोरेंट में भारी। चलिए बढ़िया लगाइए सर, हमारे लिए चुन ना लेता। ये पहले ऐसे इसको थपथपाए, फ्लैट किए और थोड़ा सा इसमें मक्खन लगाए, फिर आटा लगाए और इसको फिर ऐसे इसमें इसका परत बना दिए। भैया वो कैसे पता लगा कि आपको खाना बनाना है इसमें? पूरे दिन तो सेकंड में आना पड़ा था, हेल्पर ही किया था। पहले हेल्पर काम करते थे, अब शेफ बन गए, तंदूर शेफ। अपग्रेड टोटल काम आता है, नॉनवेज जैसा नॉनवेज बना लेते हैं। यहाँ तो खाली भेज है ना, यहाँ पे नाइट की फ्री जगह करता हूँ नॉनवेज। अच्छा वहाँ भी काम करते हैं, दो जगह काम करते हैं। वाह मेहनती कितने। दूसरा कौन सा होटल में काम करते हैं? वो किशोरी जाएगा। किशोरी जाएगा, वाह ये देखिए सही है। ये तंदूर के अंदर ही ब्रश मार देते हैं, मालूम क्या होता है उससे, बाहर से आग लगने से उनका और खस्तापन उसमें आ जाता है। जैसे पराठे बनाते हैं हाँ, पर अभी चूर चूर होएगा तो ये ज़्यादा वो लगेगा ना उसकी वजह से, वो आग अभी इतने ऊपर ऊपर तक आ रही है। ये देखिए ये चूर नान है, इसको चूर चूर दिया गया है। इसमें भी देखिए अलग अलग परत, अलग अलग लच्छे, साथ में खूब सारा पनीर और ये एक आधा टुकड़ा काजू का और एक टुकड़ा किशमिश का। ये है दाल मखनी और इधर है शाही पनीर और ये है रायता, जिसमें ये जो लाल कलर देख रहे हैं चुकंदर के कारण आया है और धनिया पत्ती, साथ में भुना हुआ जीरा। नहीं ये देखिए बड़ी अच्छी बात है कि सड़क पे जितने भी स्ट्रीट फूड स्टॉल्स मैक्सिमम दिखेंगे आपको, वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं यूपी के हैं बिहार के हैं, अब वो बना रहे हैं नान कुलचा। मतलब यहाँ पे वेस्ट दिल्ली में पनीर मक्खन हर चीज़ में ओवरलोडेड भर भर के। ये दाल मखनी है और ऊपर में जो ये आप लाल कलर देख रहे हैं ये रोगन है, साथ में क्रीम भी है। ज़्यादा बेटर क्या लगा आपको, शाही पनीर या दाल मखनी? शाही पनीर अलग ही, उनके जो नान है हाँ जी वो ऐसा है कि आपको सब कुछ खाने की जरूरत है नहीं, हाँ, ना दाल की जरूरत है, अपने आप में इतने स्वादिष्ट है। ये जो ऊपर की जो परत है ये खाने में बिल्कुल ऐसा ही शाही पनीर मुझे सही होता है, ज्यादा मीठा ना हो, जिसमें टमाटर का टेस्ट आए, है ना। एक और चम्मच आलू, आलू और मैं होता है कि गोभी मतलब मिक्स वेजिटेबल, हां मिक्स वेजिटेबल। वैसे वो होता है ना शादियों में जाते हैं ढाबे वाली फीलिंग, वैसे वाला है बिल्कुल, तल के सब्जी बनाई हुई है और उसके ऊपर डाला हुआ है ये क्रीम। क्रीम तो सब में डाला है इसने, देखिए दाल मखनी के ऊपर भी क्रीम है, शाही पनीर के ऊपर भी क्रीम है। और मुझे याद है जब मैं द्वारका गया था, मैंने मजाक में कहा था कि यार सब चीज़ में क्रीम डाली है, इसमें रायते में क्रीम की भी डाली मतलब रायता रह गया था। और सही बात है, यहाँ भी देखें हर एक चीज़ में क्रीम का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी हैवी है। अगर आप एक नान मतलब एक आदमी के लिए सफिशेंट है, अगर नॉर्मल डाइट हो सफिशेंट बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने शेयर किया, मज़ा आया। वेस्ट दिल्ली का एक और अनोखा जायका राजू के चुरचुर नान। और इनफैक्ट आपको एक फैक्ट बताता हूँ, 2019 में एक लिटिगेशन हुआ कोर्ट में, पहाड़गंज में एक चुरचुर नान वाले हैं, उन्होंने बोला कि और कोई चुरचुर नान इस्तेमाल नहीं कर सकता, कि भाई ये मेरा ट्रेडमार्क है मैं बोलता हूँ चुरचुर नान। तो कोर्ट ने कहा ये बिल्कुल जेनरिक है, कोई भी कह सकता है, मतलब ये आपकी मोनोपोली नहीं हो सकती कि आप ही चुरचुर नान बोल सकते हैं। वैसे इन्होंने लगाया नाम राजू चुरचुर नान, तो ऐसे बहुत सारे हैं कृष्णा चुरचुर। तो ऐसी बात होगी कि मेरा नाम अनुभव है, किसी का दिल्ली में नाम अनुभव नहीं, उसका मेरी मम्मी ने सबसे पहले रखा है। वही वाली बात है, तो मैंने कहा कि ये आप नहीं कह सकते, तो ये भी एक तरह से आप कहें दिल्ली की पहचान है
जैसे छोले भटूरे हैं उसी तरह से चुरचुर नान, और चुरचुर नान इसको इसलिए बोला जाता है कि जब ये नान बनने के बाद इसमें मक्खन लगाते हैं इसको क्रश कर देते हैं, चुरचुर मतलब क्रश, तो ताकि जो मक्खन है हर एक लेयर में चला जाता है, उसका स्वाद हर एक परत में आ जाता है, इसलिए इसको चुरचुर नान बोला जाता है। और हालांकि ये थोड़ा सा आपको मैं अभी रियलाइज़ कर रहा हूँ कि ऊपर जो एक तरफ परत अच्छी से पकी हुई थी, एक तरफ थोड़ा सा अभी अंदर से पका नहीं है लगता है मुझे, और जो क्रिस्पीनेस होनी चाहिए मेरी साइड तो पूरी पकी वाली आ गई। हाँ ये देखें ना, ये हल्का सा हाँ, इस तरफ देखें आप हाँ, तो इसमें और इसको या तो वो पकाते हैं या तेज आँच पर पका रहे हैं इसलिए ऐसा हो सकता है। टेस्टी। तो आज हमने सुबह सुबह भटूरे भी खाए, नान भी खाए, कुलचे भी खाए, आपका फेवरेट तीनों में से क्या था? मेरे लिए फेवरेट अमृतसरी कुलचा, वो मजा आया। कीमा या दूसरा चीज? चीज वाला बहुत अच्छी था, ऐसा लग रहा है गुड़ वाली है चीनी से ज्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग एसेंस है गुलाब का। ये लस्सी में पेड़ा क्रश करके डाला हुआ है। हाँ, नॉर्मल मीठी लस्सी नहीं है इसमें, हाँ। बहुत कुछ अलग अलग सा टेस्ट आ रहा है। सही, बहुत हो गया, लेकिन अभी हमारा फूड टूर एंड नहीं हुआ है, अभी हमें छोले कुलचे खाने हैं। मटर कुलचे और बूंदी वाली हरियाणा की सॉल्टेड लस्सी, मीठी तो हमने पी। तो यशवी, अब हम मिनी द्वारका से मिनी सीपी आ गए लगता है। मिनी सीपी आ गए, ये हमारे जनकपुरी का सीपी है, हमारे पास सब कुछ यहीं पे, ये सुप्रीमेसी है हमारे, हमें बाहर जाना ही नहीं पड़ता। तो ये हमारा मिनी सीपी है, यहाँ पे हमारे पास कपड़े है, खाना है, और अब हम जा रहे हैं लस्सी पीने जो हरियाणा से आती है, बहुत अच्छी। लेट्स गो। कुलचे रह गए, कुलचे मटर कुलचे। अब ये हम लोग आ गए अजय छोले कुलचे। हाँ जी, ऐसी लग रही है नेहरू प्लेस में खड़े हैं। हाँ। यूज्ड लैपटॉप और डेस्कटॉप सभी चीजें। सेकंड नेहरू प्लेस, चलो जी, सेकंड सीपी भी आए, द्वारका भी, अभी हम सेकंड नेहरू प्लेस में मिलेंगे। वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली वालों ने सभी जगह अपनाई है, सब कुछ अपना बनाया हुआ है। बिल्कुल। तो आप ही का नाम अजय जी है जी? अजय अजय जी कितने साल से लगा रहे हैं आप शॉप? सर ज्यादा नहीं, 2 महीने हुए। बस 2 महीने हुए? पहले क्या करते थे? जॉब करता था सर। कहाँ पे? टेक वेदिंग में जॉब करता था, कंपनी में, आईटी की कंपनी थी। सो लॉकडाउन में बंद हो गई, तो उसके बाद मैंने ये स्टार्ट कर दिया। तो ये अपने घर से बना के लाते हैं? हैं, चलिए फिर तो हम जरूर आपके यहाँ। आज तो हमने काफ़ी पैशनेट लोग देखे, कोई जिम छोड़ के खाना बना रहा है, कोई टेक का काम छोड़ के खाना बना रहा है, फूड मार्केट गए। नहीं, ये भी है ना कि कोविड के कारण काफ़ी लोगों की नौकरी गई। हाँ। और उसके बाद लोगों ने अपना खाने का कारोबार शुरू किया। ये कला आजकल जॉब है नहीं, जॉब मिल नहीं है, तो सभी यही सोच रहे हैं कि अपना कुछ करें। वे खुशी किस चीज़ में ज़्यादा मिलती थी? कंप्यूटर के आगे बैठने में, इसमें मैडम अपने काम में, ऐसा अपने काम में। तो कुलचे कहाँ से लेते हैं आप? सर एक बैंडर है हमारा, सूजी का बनाते हैं। 8 मसाले मिले हुए हैं, जो कि अपना चाट मसाला है, जीरा मसाला है, हरी मिर्च है, नमक है, और लाल मिर्च है, काला नमक है, अपना टाटा नमक, ये सारे मसाले, सारा घर वाला स्वाद। अरे नमक से ज़्यादा नमक मैंने वही छोड़ दिया। कहाँ? राजू के यहाँ। तो राजू को चुरचुर वाले को कॉल करके कह देते हैं, डिलीवरी करा देगा हमारे घर। ये सूजी वाले कुलचे हैं। अच्छा, ये जो आप छोले बोल रहे हैं ये है मटर? मटर है ना, जो मटरा होता है। हाँ, मटर है, मटर कुलचा साथ में जो चलता है वो मटर ही चलता है जी, छोले नहीं चलते, लेकिन लोग बोलते छोले हैं, है मटरा। चलिए, एक प्लेट में 3 कुलचे आते हैं सर, 40 की प्लेट है सर। आप हमें एक कुलचा दे दीजिए, सिंगल पीस, हम उसे टेस्ट करना चाहते हैं आपका कुलचा। ये आ गए हमारे तड़के वाला कुलचा। आप कलर की वैरायटी देख रहे हैं इसमें? हाँ। रेड, ग्रीन, ब्राउन, पर्पल, सभी कलर्स हैं। सभी कलर्स हैं। कुलचा अनुभव सर जैसा लग रहा है और मैं खीरे जैसी। पहली बाइट, मक्खन, टमाटर, प्याज, अजवाइन और साथ में मटरा, मटर। मेरी बाइट तैयार है, जैसी चीयर्स करोगे मैं वैसी खा लूं। चीयर्स। तो ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, पहले ये नहीं होता था, पहले आपको सिर्फ सादे कुलचे मिलते थे,
कहीं कहीं पहल का मक्खन वो गोल्डन कलर का एक डब्बा होता था बड़ा सा, उसके अंदर छोले भर के आते थे और उसके साथ कुलचे बस सेक के। अब ये तड़के वाला शुरू हो गया, तो ये कह रहे हैं कि बिना तड़के कोई खाता ही नहीं है। अब कुलचे भी आपको ज़्यादातर सूजी के कुलचे मिलेंगे जगह जगह, लोग कॉन्शियस हो गए कि नहीं मैदे का नहीं खाना। एक तड़के वाला सबसे पहले शुरू हुआ था यहाँ पे PVR में, पर फिर वो बंद हो गया तो फिर सारे यहाँ पे आने लग गए। PVR वाला तो खैर बहुत ही, उसके ऊपर इस कुलचे के ऊपर आलू प्याज टमाटर ऐसे पूरे भर के लेयर लगा देता था, उसके साथ ये देता था। नहीं वो अच्छे होते थे, हैवी होते थे ऑल्दो, पर छोले भटूरे जितने हैवी फिर वो छोले कुलचे खा रहे हैं, फिर तो पता नहीं वो क्या ही बन गया। मतलब ये सही है, सादा हल्के मसाले के साथ या चटनी डाल दें या थोड़ी से नींबू डाल दें, थोड़ा खट्टापन आ जाए, प्याज हो, साथ में सादे कुलचे हो। और ये आपको छोले कुलचे ऐसी जगहों पे बहुत जगह मिलते हैं, जैसे जहाँ मार्केट स्पेस हो तो लोग लंच के टाइम पे बाहर आए। बहुत लोग ऐसा होता है कि छोले बाज़ार से ले लिए, घर से रोटी ले आते हैं। बहुत लोग कुलचे ले लिए, सब्जी घर से ले आए। और यहाँ पे तो पूरी मार्केट उस पर बेस्ड है, सब लोगों को खाना खाना होता है छोटे टाइम। और सही भैया का काम चल रहा है, कस्टमर मैंने तो पूरा मिनी नेहरू प्लेस बना दिया, इसी की कमी थी, ये भी लग गया। टेक तो था ये हमारे पास, अब खुद ये टेक में पहले काम करते थे। बैगो फील नहीं आती होगी ना ऑफिस से बाहर की, आजू बाजू सब ही आईटी है। अब चला जाए लस्सी की ओर। जी भाई साहब, इतने कस्टमर इकट्ठे हो गए देखो, फायरिंग भी हो रही है बाबा के आने, पटाखे छूट रहे हैं। अब उसे जल्दी आया करो ना, इतनी भीड़ लग गई, देखो कस्टमर से हैं हम कितने चक्कर काट के गए, अभी आ रहे हैं आधे घंटे से वेट कर रहे हैं। सारे काम तैयार हैं, सारे काम तैयार हैं। तो ये सारा सामान लेके आते हो साइकिल पे ही? आपके सामने आए उतारे हैं? नहीं मैं तो जब आया तो उतर चुका था। मक्खन है, मक्खन घर पे है ना, और घर पे दही है, दही है, दही है साहब, तो दही थोड़ा ना देखो पी गई तो नमक देखो। भैया बूंदी कहाँ है? अभी देता हूँ, सारी चीज़ें भाई उसके बिना नहीं मिलता। नमक ज़्यादा है? मेरे को तो ठीक लग रही है, पता नहीं बाकी कहीं तेज खाते हो पता नहीं, मेरे को तो फर्स्ट क्लास लग रही है, बिल्कुल गाढ़ी लस्सी है। ज़्यादा गाढ़ी है, मोड़ी नहीं ना थोड़ा, इसलिए पानी मिला है। मतलब ये भी एक एक्सपीरियंस है। हाँ भीड़ लग गई। स्पेशल पावरफुल वेरी टेस्टी फ्रेश कोल्ड बटर मिल्क ओनली 10 रुपीज पर गिलास। मेरी पैक कर देना। कितना जी? 25 रुपये। फ्रेश से नहीं हो तो फ्री पियो, एकदम फ्री। इट्स गुड फॉर योर हेल्थ एंड डाइजेशन। और पैसे नहीं हो तो फ्री पियो। बहुत बढ़िया गुना जीरा का जायका, और बिल्कुल रिफ्रेशिंग टेस्टी एंड गुड फॉर हेल्थ। यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव टेस्टी लस्सी फ्रॉम हरियाणा। आपका नाम तो बताया नहीं हमें। सीताराम। सीताराम जी, पैसे नहीं हो तो फ्री पियो, पीते जाते जाओ। आज भी ये मूड में है, आज सब पकड़ी मिलेगी। ऐसा लग रहा था छबील लगी हुई है। छबील लिए पर आज लोग बोलते कि मेरे पास पैसे नहीं है चेंज के। नहीं सर इतने प्यार से एकदम देसी। कितने साल से आप आ रहे हैं सीताराम जी? 15 साल। मैं तो 15 सालों से देखे, बचपन से पापा को हमेशा चार्ज करते थे, मेरे को हमेशा फ्री मिलती थी। और ये रोहतक से आते हैं ट्रेन से एवरी डे मॉर्निंग आफ्टरनून। तो हरियाणा तो कहीं जाता है दूध घी मक्खन दही। चिंता मुक्त लस्सी और 10 रुपए में सारी चिंताएं खत्म, ऑल टेंशन फ्री, केवल 10 रुपए में 56 मसाले 64 स्वाद। 64 स्वाद पिच देख रहे हो, 56 मसाले 64। 400 रुपए का मजा 10 रुपए में। थोड़ा सा और देना चाचा, आधे ग्लास भर दो, आधे ग्लास, आधे आधे आधे, बा बा बा। थैंक्स। ऊपर पहले बूंदी डालो, थोड़ी बूंदी भी डाल दो। अभी आता हूँ, मतलब अभी तक मैंने पूरी वॉक में उम्दा नहीं बोला था। हाँ। अब यहाँ लस्सी पी के मैं बोल रहा हूँ बहुत ही उम्दा। हमने उम्दा चीजें एंड के लिए बचा के रखी थी जी। थैंक यू सीताराम जी, वेलकम टू यू।
चलिए यश यशी यशवी यशवी सुनील जी नाम बताया ना अनिल जी सचिन सुनील कौन था कोई नहीं अजीत है तो आप बता दो आज आप बता दो अरे बता दो कोई भी कैमरा बैटरी खत्म हो रहा है जल्दी